चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि आज हम 12th के पोल साइंस का अध्याय 8 का जो बचा हुआ पॉइंट है उसको पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट होगा वैसे आप लोग का गोवा की मुक्ति। आप लोग भी लिख लीजिए और पहले इसको सुन लीजिए। शायद सभी लोग गोवा का नाम सुने होंगे जो वर्तमान समय में भारत के एक राज्य है। और मैं बता दूं, भारत जब 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था तब इस पर पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगाल एक देश है, उसका शासन था इस पर। और इंग्लैंड वाले तो चले गए लेकिन पुर्तगाली नहीं गए थे यहाँ पर, और यहाँ इसको लूट रहा था पुर्तगालियों ने। भारत जब स्वतंत्र हो गए तो भारत अपनी शक्ति में जब आया तब वह भारत के गोवा जैसे कई क्षेत्रों को स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए प्रयास करने लगा। इस क्रम में गोवा पर जो शासन था पुर्तगाली का, उसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप बोरा बिस्तर बांधकर अब भारत से चले जाइए, भारत अब स्वतंत्र हो गया है, अतः आप इस क्षेत्र पर नहीं रह सकते क्योंकि ये भी भारत का अंग है। लेकिन गोवा वालों ने, पुर्तगालियों ने भारत के इस रिक्वेस्ट को नहीं माना। तब केंद्र सरकार ने वहां के लोगों को संगठित कर लोगों द्वारा एक आंदोलन शुरू करवाया गया, और उस जन आंदोलन के सामने पुर्तगाली को झुकना पड़ा, और फिर पुर्तगाली बोरा बिस्तर बांधकर वहां से चला गया। मैं बता दूं आपको, 1961 ईस्वी में गोवा पुर्तगाली के चंगुल से छूटा। वैसे जन आंदोलन से तो वो थोड़ा सा पुर्तगाली कमजोर पड़ ही गए थे, लेकिन भारत को सेना भी भेजना पड़ा था काफी संख्या में, और फिर लास्ट फाइनली जो होता है, नहीं खेल होता है तो लास्ट में होता है ना कुछ देर का फाइनली, वही फाइनली भारत की सेना को वहां पर खेलना पड़ा था, अर्थात भारतीय सेनाओं ने पुर्तगालियों को वहां से भगाया लास्ट में। और फिर पुर्तगाल के जाने के बाद गोवा भारत का एक राज बन गया जो अभी तक है। तो शायद आपने गोवा के मुक्ति के विषय में सुन लिए। मैं एक बार और बता दूं, गोवा के मुक्ति के साथ साथ ही भारत के दो और राज जो केंद्र शासित है, दमन और दीव, इन दोनों का भी मुक्ति हुआ है क्योंकि इस पर भी पुर्तगाल का अधिकार था। तो शायद गोवा की मुक्ति कैसे हुई, इस पर किसका अधिकार था, आपने जान गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। गोवा भारत के प्रमुख राज्य हैं, लेकिन भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ था उस समय इस पर पुर्तगालियों का शासन था, अतः भारत स्वतंत्र होने पर भी गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था। भारत स्वतंत्र होते ही पुर्तगालियों को गोवा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन इसका पुर्तगालियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब वहां एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ जिसके सामने पुर्तगालियों को झुकना पड़ा। इसी समय भारत सरकार
वहां सेना भेजकर पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। इस तरह से 1961 ईस्वी में गोवा विदेशी शासन से मुक्त हो गया और फिर 1987 में जाकर भारत का संघीय राज बन गया। तो इस तरह से आपने गोवा की मुक्ति को समझ गए और लिख भी दिए। अगर इससे संबंधित मन में कोई भी सवाल हो, डॉट हो, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोग को कोई डॉट, कोई सवाल मन में नहीं है। अतः हम अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका स्वतंत्रता की मां। स्वतंत्रता मतलब होता है पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाना या पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर हो जाना, उसे कहते हैं स्वतंत्रता। और मैं बता दूं आप लोग को, ये असम की बात है, पूर्वोत्तर राज्य की बात है। आपको शायद मालूम होगा इस पॉइंट पर, एक पीछे जो हमने पढ़ाए थे आपको असम के विषय में, यहाँ पर भी वही बात आता है। शायद आपको भी मालूम होगा मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ये सब एक साथ था। और ये मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब असम के साथ रहना नहीं चाहता था, ये खुद स्वायत्तता मतलब खुद वाला राज चाहता था, खुद शासन चाहता था, अपने आप वाला व्यवस्था चाहता था। अतः वहां के लोगों ने स्वायत्तता अर्थात असम से अलग रहने के लिए आंदोलन शुरू किया, एक अलग राज बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। और मैं बता दूं आपको, उसमें सफलता भी मिली थी। 1960 में आके जाके असम से इन दोनों को अलग कर दिया गया था और अलग एक राज बन गया था। तो शायद आप स्वायत्तता की मांग का मतलब और स्वायत्तता की जो मुद्दा उठा था राजनीतिक क्षेत्र में, वो कहां पर उठा था और उसका क्या परिणाम निकला, हो जाना। अब इसको आप लोग लिखिए। स्वायत्तता का अर्थ स्वतंत्र रहने से है। मणिपुर, त्रिपुरा प्रारंभ में असम का अंग था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद असम से अलग राज बनाने की आकांक्षा यहां उत्पन्न हुई और फिर यहां स्वायत्तता की मांग होने लगी। इसको लेकर 1960 ईस्वी में असम में कई संगठन बना। जिसकी अगुवाई में 1972 आते आते मणिपुर, त्रिपुरा एक अलग राज बन गया। लेकिन अभी भी असम के बोडो, कर्बी, दिमसा आदि समुदाय अपने अलग राज बनाने की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने स्वायत्तता की मांग और स्वायत्तता के अर्थ को शायद समझ गए आप लोग। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370।
यह एक ऐसा पॉइंट है जिसके संबंध में वर्तमान समय में शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपरिचित होंगे, क्योंकि इस पॉइंट को लेकर ये 2020 काफी चर्चा में रहा है और यह संविधान की जो अनुच्छेद 370 है इसके तहत शायद मालूम होगा आप लोगों को जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, वहां की संविधान अलग बनी हुई थी, यहाँ तक कि झंडा भी उसका अलग था, सारा नियम कानून उसका अलग था। और हम एक शब्द में कहें कि आंशिक रूप से यह नियम जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करता था, तो कोई इसमें गलतियां नहीं। और फिर इस नियम जो हमारे देश की अखंडता पर पश्चिम लगा रहा था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार अर्थात माननीय मोदी के नेतृत्व में यह नियम को हटा दिया गया और आज भारत का जो आंशिक रूप से अखंडता पर प्रश्न लगा रहा था वो समाप्त हो गया। तो शायद अनुच्छेद 370 आपने जान गए और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी इस पर अध्ययन कीजिएगा। मैं आज इसको नोट नहीं करवा पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है, कल आप लोग से भी इस पर हम कुछ राय लेंगे और फिर आपको नोट करवाएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक।